नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज। मैं अभी मौजूद हूं पटना के जेपी गोलंबर के पास। जेपी गोलंबर के पास में प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है। मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूं जो प्रशासन की, बिहार सरकार की जो गाड़ी लगी हुई है, और काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है। पहले तस्वीर ये देखिए, तस्वीर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि पुलिस से बैरिकेटिंग के लिए ये पूरी तरह से तैयारी कर रखा है। और मैं आपको बता दूं कि जन अधिकार पार्टी के जो अध्यक्ष हैं पप्पू यादव के द्वारा आज राजभवन मार्च है। राजभवन मार्च इस बात को लेकर है कि बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार और रोजगार को लेकर, क्राइम अपराध को लेकर जिस तरह से बढ़ रही है, उसको लेकर पप्पू यादव राजभवन मार्च करेंगे। और यहीं से पप्पू यादव निकलने वाले हैं। मैं वो तस्वीर दिखा दूं। हालांकि आप देख सकते हैं राजभवन मार्च जन अधिकार पार्टी की जो गाड़ी लगी हुई है, उनके जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं लगे हुए हैं। और हालांकि काफ़ी संख्या में यहां पुलिस बल भी मौजूद है और काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। और अभी सत्र भी चल रहा और ये सभी लोग राजभवन मार्च करेंगे और राजभवन जाकर राज्यपाल महोदय जी से मिलेंगे। और उसी को लेकर आज पटना के जो जेपी गोलंबर है, जेपी गोलंबर के पास मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन की भी गाड़ी लगी हुई है। और आज तकरीबन 10 बजे से ही पुलिस प्रशासन की गाड़ी यहां मौजूद है और काफ़ी निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा रखी जा रही है, क्योंकि सत्र भी इस दौरान चालू है और इसी को लेकर खासा ध्यान रखा जा रहा है। और पुलिस बल काफ़ी संख्या में पटना के जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग बना दिए हैं। और इस बैरिकेडिंग को आप देखिए, अभी पूरी तरह से बैरिकेडिंग खोला गया है, लेकिन अभी जन अधिकार पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं अभी यहां पर नहीं पहुंचे हैं। और जेपी गोलंबर के पास उनके जो समर्थक हैं, जो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नहीं पहुँचे हैं। या जन अधिकार पार्टी के जो अध्यक्ष हैं पप्पू यादव भी नहीं पहुँचे हैं, उसको लेकर अभी बैरिकेडिंग खोल दी गई है। हालांकि बैरिकेडिंग की जो तमाम चीज़ें होती है, जो बैरिकेडिंग पूरी तरह से बंद करने की, वो आप देख सकते हैं तस्वीर में। मैं वो तस्वीर दिखा दूं, यहां पर बैरिकेडिंग के जो सारे जो गेट है वो रखी गई है। और मैं वो तस्वीर दिखा दूं, अब देखिए जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता है बाई बस लोग आए हुए हैं। सामने से आपको दिख रहा होगा कि जन अधिकार पार्टी बेलागंज गया राजभवन मार्च, बिहार के कहें तो तमाम जिले से जो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं पटना जेपी गोलंबर पर पटना में पहुंचे हुए हैं। और यहीं से राजभवन मार्च के सभी लोग एकजुट होकर राजभवन मार्च करेंगे। तस्वीर वो दिखा दूं मैं आपको, यहां पर बैरिकेडिंग के पूरी तरह से सुविधा जो है, यहीं पर बैरिकेडिंग पूरी तरह से बंद किया जाएगा। प्रशासन की काफ़ी तमाम संख्या में पुलिस बल मौजूद है और इस बात का खासा ध्यान रखेगी कि यहाँ से बैरिकेडिंग करके जो जन अधिकार पार्टी है अब उसको रोक पाती है या नहीं। लेकिन बैरिकेडिंग का स्थान यही बनाया गया है और जन अधिकार पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है अभी नहीं पहुंचे हैं। हालांकि जैसे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का आना हुआ, आना जाना हुआ, मैं वो तस्वीर दिखा दूं एक बार, उनसे हम बात करेंगे, बात करके आपको दिखाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, किस मांग को लेकर आज ये पटना में पहुंचे हैं। हालांकि पहले ही कल ही बता दी गई थी कि राजभवन मार्च होगी और राजभवन मार्च में सभी समर्थक जो जेपी गोलंबर पर पहुंचे हैं, हम इनसे भी जानेंगे। चचा कहां पर आए हैं आप? आए हैं मतलब गांधी मैदान में। आज क्या है? पप्पू यादव की रैली है। रैली में आए हैं, क्या मांग है सरकार से? मांग है कि नदी के बाला नहीं उठना चाहिए, नदी उठने से हमारा बस्ती का क्षति है। अच्छा, हम लोग बेला कुरमथु पंचायत आढ़तपुर गांव से आए हैं। अच्छा, हम लोग का बालू का समस्या है। 15 तारीख को जो घटना हुआ है सब टीवी मोबाइल पर आप लोग देख ही रहे हैं, वही के चलते हम लोग आए हैं। माँ बहन हम लोग को जेल में है। अच्छा, किस बालू की बात कर रहे हैं? जो पिछले बार जो पीछे हाथ बांधी हुई थी, जो तस्वीर आया हुआ था, उसी की बात कर रहे हैं? वही को बात कर रहे हैं। उसका पूरा मामला क्या था? उसका मामला था कि चारों तरफ हम लोग नदी से घिरे हुए हैं, बीच में टापू मेरा गांव है, तो हम लोग नदी का जो बाढ़ पानी आता है उसे कटाव बनते जाता है नदी किनारे, तो इसी बचाव के चलते हम लोग तटबंध का मांग करना चाह रहे थे, मांगते थे।
सरकार से कि हम लोग को तटबंध दे दिया जाए, उसके बाद में आप बालू उठा के ले जा सकते हैं, हमको बालू से कोई आपत्ति नहीं है। इसी दौरान में वहाँ बालू माफिया सीमांकन करने के लिए वहाँ 300-400 फोर्स लेके आए, हम लोग वहाँ उसी अवस्था में उतरे तो उसे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, आंसू गैस का गोला छोड़ना स्टार्ट कर दिया, हम लोग भाग चले। भागला के बाद में घर में महिलाओं को पकड़ पकड़ कर। वहाँ क्या आप लोग को पुलिस को द्वारा मदद दी जा रही थी? नहीं, पुलिस के द्वारा बिल्कुल मदद नहीं था, वहाँ गलती करने एकदम सरासरी गलती पुलिस, और पुलिस के द्वारा माफिया उसमें साथ साथ मिली भगत थे। पुलिस के सपोर्ट से हो रहा? हाँ, हम पुलिस के सपोर्ट से ही, जितना क्राइम हुआ है पुलिस के सपोर्ट से ही हुआ। अभी क्या स्थिति क्या है वहाँ? अभी स्थिति वहाँ का गंभीर है, बालू का उठाव हो ही रहा है और हम लोग दहशत में पड़े हुए हैं। दिन रात रात को जितना दबंग लोग आते हैं वहाँ, रणवीर सेना के समर्थक है, बालू माफिया सब मिलकर रात में फायरिंग तायरिंग करते हैं, धमकी देते हैं। कौन सा जगह है, एक बार जिक्र कीजिए। बेला प्रखंड कोरमथू पंचायत आढ़तपुर गांव है, वहीं का समस्या वहीं का समस्या है। अभी आप लोग पटना है किस मांग को लेकर? उसी मांग को लेकर को जो महिला लोग जितने जेंट्स लोग को जेल में भेज दिया गया है, उसको जेल गए उसमें 10 गो 10 लोग। हाँ, आपके फैमिली मेंबर्स से है? हाँ, फैमिली मेंबर्स भी है। अच्छा, अभी वो लोग छूटे नहीं है? नहीं, छूटे नहीं है, सबको घर में से घिसाट कर पकड़ कर जेंट्स पुलिस लेडीज को ले गया। महिला पुलिस? हम महिला पुलिस नहीं वहाँ थी, बिल्कुल जेंट्स पुलिस। अच्छा, और जो आपके घर की महिलाएं भी गई है जेल? हाँ, महिला भी गई है जेल। आप लोग कहाँ से आए? बेलागंज से आए। बेलागंज आज किस मांग को लेकर पटना आई है? आए हैं के लिए कि सब महिलाओं के लिए मारा है और पीटा। आज तो रैली है? हाँ, तो रैली है, तो इसीलिए आए हैं। आज मांग करना चाहिए? हाँ, मांग। क्या मांगे? मांगेंगे हैं कि बालू के रखाव होवे और व्यथी के अथी करिए। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार महिलाओं की कहती है, सरकार कहता है कि महिलाओं की काफी हम लोग सुरक्षा देते हैं। कैसे सुरक्षा दिया? सबके घर में लेके मारा, पुलिस के अति ने फेस न करके सब मारा, तो कैसे दिए? नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं के रोजगार का, महिलाओं की सुरक्षा का। नहीं सुरक्षा के दिए हैं, कहने सुरक्षा के दिए हैं, घर नहेल कर भी घर बनाता है कहे रहने के लिए, मरे का घर नहेल कर भी, बक्सा भी तोड़ा, मारा भी, इज्जत भी लूटा, तो उसको से क्या बढ़ के बाद कुछ होगा? नहीं ना, सरकार से खुश नहीं है ना। देखिए, ये सभी लोग जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता है, इनसे हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। कहाँ से आए हम लोग? मेन थाना और बेला थाना से आया है। क्या मांग है? हम लोग का मांग है, चारों बगल नदी का घेराव है और रंग से बालू उठाता है लोग, वो अथी नहीं है। अभी बालू उठाया जा रहा है? अभी उठाया जा रहा है। आप कहाँ से आए? आढ़तपुर से। अच्छा, ये क्या मामला है? मामला बालू के है, वो हमारा पक्का तटबंध होना चाहिए, पक्का तटबंध होना चाहिए, तभी बालू का वहाँ खनन किया जा सकता है। पुलिस से मदद नहीं मिल रही है? नहीं मिल रहा है। आप लोग गए थे पुलिस प्रशासन के पास? सब क्या कर रही है प्रशासन? प्रशासन कह रहा है कि उठावेगा। चलो, उठाने दिया जाए। हाँ, अच्छा, अभी के अभी जो स्थिति है वहाँ के, किस तरह का स्थिति? अभी वहाँ बालू चालू है, वहाँ बालू वहाँ खनन हो रहा है, हमने रोक लगाए हुए, बगे खनन हो रहा है, अभी खनन वहाँ हो रहा है, बालू का दर्शक बना हुआ है, दहशत बहुत है। देखिए, ये सभी जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सभी लोग आज जो राजभवन मार्च है उस रैली के लिए आए हुए हैं। उनसे हमारी बात हो रही थी गया में, जो आप जो पिछली तस्वीर देखे होंगे, पिछली बार हम आपको बता दें कि यहाँ पर लोग अभी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन थोड़ी देर में पहुँचने की उम्मीद है। लेकिन जब हमारी बात हो रही थी गया की, बात कर रहे थे, पिछली बार आप देखे होंगे एक घटना काफ़ी सुर्खियों में था इस बात का कि जो बालू का कटाव हो रहा था, बालू माफिया के द्वारा, इन लोगों का कहना है कि वहां पर एक तटबंध है, तटबंध होना चाहिए और उसके बाद बालू का कटाव होना चाहिए, उस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। और दूसरी बात कि आज जो पप्पू यादव का जन अधिकार पार्टी का जो राजभवन मार्च है, उसको लेकर तमाम जो जिला से है उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले, एक बार तस्वीर देखिए, जन अधिकार पार्टी लोजपा बेलागंज गया से राजभवन मार्च के लिए सभी लोग आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि सभी लोग यहां पर थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, हालांकि पुलिस भी काफ़ी सुरक्षा और व्यवस्था बनाई हुई है, यहीं पर यहीं बैरिकेडिंग करेगी
लेकिन अभी जन अधिकार पार्टी के लोग नहीं पहुंचे हैं। आगे हम ऐसे ही आपको अपडेट कराते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लाइव बिहार न्यूज़ आप देखते रहिए।